तो दोस्तों ये 10वें नंबर की भैंस है, इसके बारे में जानते हैं। ये कौन से ब्यात की है? ये अभी तीसरा ब्यात भी आएगी। अच्छा, तीसरा ब्यात में अब भी आएगी। 15 दिन की देरी है। 15 दिन की। दूसरे में कितना दूध दिया इसने? दूसरे में इसने 11 लीटर दिया था। 11 लीटर, 22 लीटर दिया था पूरे दिन। पूरे दिन की 22 लीटर दूध देने की गारंटी है ना? तो दोस्तों आप यहाँ पे आओ, विजिट करो और दूध दे के बाद में आप संतुष्ट होकर खरीद सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा दूध देने वाली यहाँ पे भैंस है। एकदम शरीर से परफेक्ट है सारी भैंस है। बॉडी का स्ट्रक्चर, हाइट में भी अच्छी है। और जानते हैं आगे वाली भैंस के बारे में। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों आज हम आए गुजरात में भावनगर जिले में। तो एक बार पूरा भैया से एड्रेस जानेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी भैंसे है और बहुत ज्यादा है, पूरा फार्म खचाखच भरा हुआ है भैंसों के लिए, सेल वाली सभी भैंसे है। तो एक बार जानते हैं भैया से एड्रेस। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशन आही। और आपका एड्रेस? मेरा एड्रेस है भावनगर आरटीओ सर्कल। अच्छा। और हम आज आपको गांव में विजिट कराने लेके आए, डायरेक्ट किसान के वहाँ। तो ये सारे किसान की भैंस हमने दी हुई है। अच्छा, आपने दी हुई है ना? तो अभी ये भैंस है तो इसके बारे में बता दीजिए। ये अभी फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर है और 15 दिन में बच्चा देने वाली है। 15 दिन में देने वाली। अच्छा, तो दूध की कैपेसिटी? दूध इसके फर्स्ट में 9-9 किलो की है। अच्छा, 9-9 किलो देगी। 18 लीटर पूरे दिन की गारंटी रहेगी ना? तो अच्छी है, आप देख सकते हैं क्वालिटी में बहुत अच्छी है भैंस। कुंडी सींग वाली है, हाइट लेंथ आप देख रहे हो। और भी यहाँ पे सारी टोटल कितनी भैंस है अभी? सारी अभी यहाँ पे 50 के आसपास होगी। हाँ हाँ। और सेल करने वाली? सेल करने के लिए तो ये सब लोट 10-12 है। अच्छा, 10-12 भैंस अभी आपको दिखाएंगे, एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे डिटेल। बाकी यहाँ पे भैंस तो बहुत ज्यादा है। ये दूसरे नंबर की भैंस, ये भी बहुत अच्छी है। इसमें आप आगे से इसका भैंस की बनावट देख सकते हो, क्वालिटी में बहुत अच्छी ब्रीड है। ये कौन से ब्यात की है? ये भी फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है ना? तो अभी बच्चा दिया हुआ है? हाँ, पर बच्चा दिया, उसको 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो ये कितना दूध दे रही है? ये अभी 8 लीटर। अच्छा, 8 लीटर। 16 लीटर पूरे दिन का दूध दे रही है। आप देख सकते हैं इसकी अडर, थन की क्वालिटी एकदम फिट अडर है। इसके नीचे कटड़ी है या खटड़ा? कटड़ा। कटड़ा है ना? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया इसको। और जानते हैं आगे तीसरे नंबर की भैंस के बारे में। ये है तीसरे नंबर की भैंस, तो इसके बारे में बता दीजिए, ये कौन से ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है। अच्छा, दूसरे ब्यात की है। ये भी हाइट में, बॉडी के स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी है। क्वालिटी में आप देख सकते हैं एकदम अच्छी ब्रीड है ये। और इसका ब्यात कौन सा है? ये दूसरे पेट पे। दूसरे में तो अभी बच्चा दे दिया है? अभी बच्चा दे दिया है, 1 महीना हुआ। अच्छा, 1 महीना इसको भी हो गया। नीचे कटड़ी है या कटड़ा? इसके नीचे कटड़ी है। अच्छा, कटड़ी है ना? दूध कितना निकाल रही है? अभी एक टाइम का 9 लीटर, पूरे दिन का 18 लीटर है। 18 लीटर पूरे कम्प्लीट हाजिर में है। हाजिर में 18 लीटर दूध है। किसी भी भाई को 18 लीटर वाली भैंस खरीदनी है तो आप इस प्रकार की भैंस खरीद सकते हो। ये देख लो, 18 लीटर दूध देने वाली भैंस है। और हाइट में, बॉडी में एकदम अच्छी है। थन कोई दिक्कत नहीं है थनों के अंदर। तो मतलब 18 लीटर वाली भैंस है, मतलब प्राइस में देखे तो किसने? प्राइस में तो क्या अभी ज्यादा है, तो डिटेल में तो वीडियो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम नंबर पे कॉन्टेक्ट करें तो सबकी एक साथ डिटेल दे दे। अच्छा, जिसको चॉइस करनी है, जिसको जो भी पसंद आए, तो आप उस भैंस का स्क्रीनशॉट लेके भैया को भेज सकते हो, उसकी कीमत पूछ सकते हो। तो शुरुआत से लेके लास्ट प्राइस क्या रहती है सेल करने की? वो सेल करने के लिए शुरुआत से 90,000 तक से 1,40,000 और 1.5। अच्छा, 90,000 से शुरुआत रेट है, 1,40,000 50,000 तक रहेगी रेट। और आप ज्यादा डिटेल इनसे ले सकते हैं, इनके कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। और जानते हैं अब ये चौथे नंबर की भैंस है। ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है ना? तो अभी बच्चा दिया हुआ है? अभी बच्चा है। तो नीचे कटड़ी? नीचे कटड़ी है। कटड़ी है ना? कितने दिन की? ये नीचे 20-25 दिन की हो। अच्छा, 20-25 दिन की। अभी 9 लीटर करंट में शुरू है। 18 किलो है अभी। 18 लीटर पूरे दिन का कंप्लीट है ना? बहुत अच्छा है, देख लो दूध में सारी भैंस अच्छी अच्छी है। 18 लीटर दूध देने वाली है ये। बुरी भैंस 5वें नंबर की है। बुरी भैंस ये भी बहुत अच्छी है, अडर में, ब्यूटी में देखे तो एकदम शानदार। पूरी बहुत कम चांस में देखने को मिलती है जाफराबादी में। ये कौन से ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है। अच्छा, दूसरे की है। तो अभी जनी हुई है? जनी हुई है। नीचे क्या नीचे है? इसका कटड़ा है। कटड़ा है नीचे ना? कितने दिन का वो होगा? 15 दिन का। अच्छा, 15 दिन का। अभी दूध कितना कम्प्लीट है? अभी 8-8.5 लीटर कम्प्लीट है एक टाइम का। 8-8.5 लीटर एक टाइम का कम्प्लीट है। बहुत अच्छा है, दूध भी अच्छा दे रही है। 17 लीटर के करीब आप दूध देखे तो इसका दूध है। तो दोस्तों ये छठे नंबर की भैंस है, ये भी बहुत अच्छी है। हाइट में, बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है इसका भी।
तो ये कौन सा ब्याह की है? ये अभी दूसरे ब्याह की है। दूसरे की अभी जन्नी हुई है या नहीं? अभी तीन महीने की प्रेग्नेंट है। तीन महीने की प्रेग्नेंट है। तो दूध कितना दिया था? दूध इसने 11 लीटर दिया था एक टाइम का, दो टाइम का 22 लीटर। 22 लीटर इसका पूरे दिन का दूध, बहुत अच्छी बात है। देख लो पूरे दिन का 22 लीटर इस भैंस ने दूध दिया था। एक बार आप देख सकते हैं इसकी अडर थन की क्वालिटी एकदम अच्छी है, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है इसका। तो दोस्तों ये सातवें नंबर की भैंस है, इसकी भी आप अडर की थन की क्वालिटी देख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं है थनों के अंदर, और हाइट में भी अच्छी है, बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा है इसका, एकदम परफेक्ट मजबूत बॉडी वाली है। ये कौन से ब्याह की है? दूसरे ब्याह की। अच्छा दूसरे ब्याह की है ना। दूसरे ब्याह में अभी जन्नी हुई है? जन्नी हुई है। अब कितने दिन की? अभी इसको 2 से 2.5 महीने हो गए। अच्छा 2 से 2.5 महीने हो गए। तो कितना दूध दे रही है? शुरू में 10 लीटर आज है एक टाइम का, 20 लीटर है पूरे दिन। पूरे दिन का 20 लीटर दूध इसका कम्प्लीट है, आप देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी शरीर इसका लटका हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट बॉडी वाली है, दूध भी बहुत अच्छी है। उस प्रकार की होती है देख लो आप, 20 लीटर दूध देने वाली भैंस है, एकदम नस्ल शांत स्वभाव की है, टॉप ब्रीड है। और जानते हैं आठवें नंबर की भैंस के बारे में। तो दोस्तों ये आठवें नंबर की है, ये भी बहुत अच्छी है हाइट बॉडी में, एकदम फेस की बनावट आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। ये कौन से ब्याह की है? ये दूसरे ब्याह तो भी चने की। अच्छा दूसरे में आप चने की। 8 महीने की प्रेग्नेंट। 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और फर्स्ट में कितना दूध दिया फर्ष था? फर्ष में इसने 9 लीटर दिया था। अच्छा, एक टाइम 18 लीटर पूरे दिन का दिया था। अभी कितने दूध की गारंटी रहेगी? रहेगी 11 लीटर। अच्छा 22 लीटर की गारंटी रहेगी। 22 लीटर की। तो दोस्तों इसके 22 लीटर की गारंटी रहेगी। और कितने महीने की प्रेग्नेंट? अभी 8 महीने की। 8 महीने की, 2 महीने बाकी है इसको बच्चा देने में, तो बहुत अच्छी है ये भी। और जानते हैं आगे 9वें नंबर की भैंस के बारे में। तो दोस्तों ये देख लो, ये भी बहुत अच्छी है, ये 9वें नंबर की है, एकदम हाइट में बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही भारी है। ये कौन से ब्याह की है? ये भी फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइमर, इतनी भारी बॉडी वाली लग नहीं रहा है इसको देख के, फर्स्ट टाइमर। कितने साल की होगी? ये अभी 3.5-4 साल की। 3.5-4 साल की है ना। कितना दूध दे रही है अभी? 10 लीटर करंट में आज है, 20 लीटर है पूरे दिन का। अच्छा पूरे दिन का 20 लीटर दूध कंप्लीट है, देख लो बहुत अच्छी बात है। बॉडी का स्ट्रक्चर देखे, पहले ब्याह में भी जाफराबादी भैंस 20 लीटर दूध कंप्लीट कर देती है, तो अभी नीचे कटड़ी है। नीचे कटड़ी है, कटड़ी है, बहुत अच्छी बात है। आगे जानते हैं अब 11वें नंबर की भैंस के, 9-10वें की बारे में। तो दोस्तों ये देख लो, ये 11वें नंबर का बुल है, ये बुल भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये कितने साल का है? ये भी 3 साल का है। 3 साल का है ना। तो हाइट बॉडी का स्ट्रक्चर देखे तो बहुत अच्छा है। इसके माँ का दूध का रिपोर्ट क्या है? माँ का था 22+ था। अच्छा 22+ था है ना। जिसका रिजल्ट भी यहाँ पे हो गया, अभी नहीं है यहाँ रिजल्ट, अभी नहीं है, अभी नहीं है ना। बहुत अच्छा है बुल है, आप देख सकते हो। इसका फादर? इसका फादर हमने सीमेंट का है ये। अच्छा सीमेंट का है ना, बहुत अच्छा है। अभी तक तो इसकी हाइट बॉडी का स्ट्रक्चर और बढ़ेगा। किसी भी भाई को बुल भी खरीदना तो भी आप कुंडी सिंह वाला बुल है खरीद सकते हो ये। तो दोस्तों ये है 12वें नंबर की, तो इसके बारे में बता दीजिए कौन से ब्याह की है? ये अभी दूसरे ब्याह की है। अच्छा दूसरे ब्याह की है। कितना दूध दे रही है अभी? ये अभी 8-8 लीटर दूध रही है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 8-8 लीटर दूध दे रही है पूरे दिन का, 16 लीटर अभी दूध दे रही है ना। अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छी है, हाइट आप देख सकते हो, हाइट में भी बहुत अच्छी है, फेस की बनावट। और अब लास्ट भैंस बची है। तो दोस्तों ये 13वें नंबर की भैंस है, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये कौन सा ब्याह की है? ये फर्स्ट टाइमर है। अच्छा फर्स्ट टाइमर है, तो बच्चा दे दिया है या? बच्चा दे दिया है ना। कितना दूध कम्प्लीट है अभी? 9-9 लीटर हाजिर में है। अच्छा 18 लीटर पूरे दिन का कम्प्लीट है ना, बहुत अच्छी है। देख लो फर्स्ट लैक्टेशन में भी 18 लीटर दूध दे रही है। तो इस प्रकार की भैंसें यहाँ पे सेल की जाती है। किसी भी भाई को चाहिए तो एक बार आप इनके फार्म पे आओ, विजिट करो, और इनके कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो आप इनसे जानकारी ले सकते हो इनके बारे में पूरी डिटेल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।